ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, और चाहिए अभिमान नहीं होगा। मननशील संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। अब 70वें श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट कर देंगे कि मानव इसके ऊपर ये विषय आक्रमण अवश्य करते हैं। अब जो प्राकृत पदार्थों में इसमें ही रहता है और जो सार देखने वाला है, जो समस्त संसार रात दिन अंधकारमय इस अज्ञानता में उलझे रहते हैं, ज्ञानी लोग इनमें सो जाते हैं। साधारण प्राणी और भगवत भक्त में बहुत बड़ा भेद है। सात्विक विचार और कामना दोनों मानव में बहुत बड़ा अंतर है। तो साधक इसमें निर्णय करता है कि मुझे ज्ञान के जो वास्तविक ज्ञान है उस पर चलना है। अब ये ज्ञान का मार्ग जितना कहना आसान है, अंदर उतना परिवर्तन करना आसान नहीं है। और लक्ष्य है उस ब्रह्म की प्राप्ति, तो वह इतना सरल भी नहीं है। जब महानतम कोई भी वस्तु चाहता है तो उसके लिए मेहनत भी बहुत है। अब मेहनत भी ना की जाए, फल प्राप्त हो जावे, ये ना आज तक हुआ है ना होगा। हाँ, अपने प्रारब्ध के कारण गुरु कृपा और इष्ट कृपा, फिर ये बहुत सुगम है। कुलेख भी सुलेख हो जाते हैं, जो भाग्य में नहीं है वह भी मिल जाता है। परंतु उसके लिए साधक का व्यवहार, वह नियम लागू होता है। धन्यवाद करते हुए जो कुछ भी प्राप्त है उसको धन्यवाद सहित स्वीकार कर लेना, विषयों की ओर ललायत ना होना, धन्यवाद सहित जो कुछ भी प्राप्त है धन्यवाद करते रहना, वह परमेश्वर दृष्टि से अधिकारी हो जाता है। अब उसकी उतनी साधना नहीं होगी, केवल विनम्र हो जावे, जिज्ञासु हो जावे, विनीत हो जावे और हर हाल में प्रसन्न रहने वाला होवे, ये अधिकारी हो जावेगा, योग्य हो जावेगा। अब अपनी साधना उतनी नहीं होगी, परंतु अकरण अकारण कृपा यहां पर वह नियम के अंतर्गत प्राप्त होती है, जो योग्य हो जावेगा। या तो अपनी साधना से योग्यवान हो जावे, या अपने कर्म कलाप के द्वारा योग्य हो जावे। अपनी साधना में कई जन्म लग जावेंगे, कई जन्म, ये एक जन्म का प्राप्ति नहीं है। हां, अगर योग्यता एक जन्म में प्राप्त कर ली तो इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जावेगा।
ये भावों पर निर्भर करेगा। अब यहां पर साधक विचलित ना हो जावे, संशय ना आ जावे, क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के सदृश है। इसके ऊपर चल सकना साधारण मानव के, मनुष्य के बलबूते की बात नहीं है। साधारण मानव इस ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता, ये उसके बलबूते की बात ही नहीं है। इसके लिए बार बार अभ्यास करना होगा, अन्यथा जन्म जन्मांतर लग जावेंगे। एक जन्म में भी अपने इन वृत्तियों पर अधिकार नहीं डाल पाओगे। और ये मार्ग इतना अंधकारमय है, फिर अगर इन पर वृत्तियों के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार नहीं लिया तो ये भटका देगा। परंतु विनीत हो जावे, समर्पण कर देवे, हर हाल में प्रसन्न रह जावे, वह परम पुरुष अकारण कृपा कर दिया करते हैं, अन्यथा दूर हो जावेगा। दूर से तात्पर्य कई जन्म लगेंगे। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं। यहां पर साधक को और समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, तेरे को अपने आप को विशेषण दिए गए यहां पर, किस प्रकार से बनाना है। अभी तक तो था, जब तक साधक अपने आप को योग्य नहीं बनावेगा, अपने आप को नहीं समझावेगा, कैसे मेरे मन अब सो नहीं, जग निरख निज रूप तत्वज्ञानी, जाग निरख निज रूप लखले राम अलख का शुद्ध परम स्वरूप, तेरा अपना रूप स्वरूप, अपने पन की लख परख राम नाम का जाप, जगना रहे सदैव का हरता भव भय ताप, भव सागर इसको पार करने का ढंग कैसे है। तू सागर के समान, इस भव सागर को पार करना है तो जैसे जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं, और वह मर्यादा का लोप ना करके अचल बना रहता है, उसी प्रकार जिस स्थिरमती मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं, उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। अब अशांत कौन होगा जिसमें प्राकृत पदार्थों की भोग भोगने की इच्छा जागृत रहेगी,
जो जड़वाद में रहेगा, जड़ समाधि में रहेगा, जड़ भाव में रहते हुए अपना साधन करेगा, सत्संग में बैठना, जाप पाठ करना, परंतु जड़वाद में ये कामनाएं इनको नहीं जीतने का प्रयत्न करता। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये सारी नदियां, इनमें क्या है, इन नदियों में जब ये बहती हैं नीचे की ओर, इनमें कितना उछाल है, कितनी चंचलता है, कितना शोर होता है इसके द्वारा, और इनका भयंकर रूप ये ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब इनका उदाहरण दिया, ये उन नदियों के समान है जो तेरे अंदर आ रही हैं, तेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। कामना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, मोह, ममता, इसके प्रति भगवान ने यहां पर उदाहरण दिया, तू अपने आप को समुद्र बना ले। ये कामनाएं, विषय वासनाएं नदी के रूप में एक नहीं, जैसे नदियों में भी गंगा, यमुना, सरयू, नारायणी, नर्मदा, गोदावरी आदि, ये नदियां बड़ी उछल कूद करते हुए चंचलता पूर्वक सब समुद्र की ओर बह रही हैं। ये विषय वासनाएं सारी मानव के अंदर आ रही हैं। मानव गंभीर हो जावे, इनको सहन करने वाला जिस प्रकार समुद्र है, वह सभी कामनाएं, वह सभी नदियां, गंगा, यमुना, सरयू, नारायणी, नर्मदा, गोदावरी, सब समुद्र में प्रवेश करती हैं, परंतु